यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। जब भी पढ़ने बैठता हूँ तो नींद आने लगती है। ऐसे फील होता है जैसे कि मैं पढ़ाई के बंधन में बंध कर अपनी ज़िंदगी बेकार कर रहा हूँ। मोबाइल चलाने का मन करता है, चैटिंग करने का मन करता है, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने का मन करता है। हर पल यही सोचता रहता हूँ कि यह पढ़ाई किसने बनाई है। यही सोचता हूँ कि टॉप करने वाले स्टूडेंट कैसे पढ़ते होंगे, वह कैसे ले आते हैं इतने सारे मार्क्स, उनकी मेमोरी इतनी शार्प क्यों होती है, क्यों कोई स्टूडेंट्स एग्जाम में 90% ले आता है जबकि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पढ़ते हो और फिर भी तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आते हैं। ऐसा क्या होता है जो टॉपर को तुमसे अलग बनाता है? इसका जवाब मुझे तुमसे चाहिए मेरे दोस्त। ऐसा क्या है जो किसी और के पास है तेरे पास नहीं है? ऐसा कौन सा काम है जो टॉपर कर सकता है तू नहीं कर सकता? ऐसा क्या है जो उसे बाई बर्थ मिला है तुझे नहीं मिला? सोचा कभी? डीप से सोचने बैठोगे तो बहुत जवाब मिलेंगे। दोस्त एक बात हमेशा ध्यान रखो कि तुम में और एक टॉपर में बायोलॉजिकली कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे शारीरिक अंग ठीक उसी तरह काम करते हैं जैसे कि एक टॉपर के। जिस तरह से तुम्हारी आंखें 2 को 2 और 8 को 8 पढ़ती हैं उसी तरह से टॉपर की आंखें पढ़ती हैं। तुम भी सोते हो और एक टॉपर भी। तुम भी मोबाइल यूज करते हो और वो भी। तुम्हारे पास भी वही सिलेबस है, वही टाइम है, वही किताबें हैं और तुम्हारी ही तरह अंधेरे में ना पढ़ने वाली आंखें हैं। तो फर्क किस चीज़ का है? फर्क बहुत कम है मेरे दोस्त। वो फर्क है टाइम और प्रायोरिटीज का, यानी वक्त और प्राथमिकता। जैसे अगर मुझे पता है कि मोबाइल को यूज करने से मैं अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा तो मैं उस जरूरी काम को पहले निपटाऊंगा और उसके बाद मोबाइल के मैसेज चेक करूंगा। कहीं कोई आग नहीं लग रही है? तुम्हारे सपने सबसे पहले होने चाहिए मेरे दोस्त। और दूसरा क्या है जो टॉपर को तुमसे अलग करता है? तुम्हारा मकसद सिर्फ पढ़ना होता है, रटना होता है, मार्क्स लाना होता है, जबकि एक टॉपर का मकसद सिर्फ पढ़ना कभी नहीं होता। उसका मकसद कुछ और होता है। पढ़ाई तो सिर्फ एक माध्यम है उसके लिए जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने लायक बनाता है। इसलिए उसको पढ़ते टाइम नींद नहीं आती। उसको पता होता है कि वह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा है बल्कि कोई बड़ा काम करने के लिए, अपना नाम करने के लिए पढ़ रहा है। और यही बात उसको ताकत देती है। और क्या फर्क होता है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में? टॉपर कभी भी चीज़ों को रटता नहीं है, वह चीज़ों को कंसेप्ट के थ्रू समझने की कोशिश करता है और उनको प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करता है, इसलिए उनको भूलता नहीं है। आइए आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं। जो तुम्हारे ऊपर पंखा चल रहा है, क्या कभी तुमने बिजली जाने के बाद यह नोटिस किया है कि वह कितने सेकंड बाद रुकता है? और उससे फिर यह जानने की कोशिश करी है कि अगर इसकी स्पीड को रेगुलेटर से कम कर दिया जाए तो वह पंखा कितने सेकंड बाद रुकेगा? क्या तुमने कभी यह जानने की कोशिश की है कि जो ट्यूबलाइट तुम्हारे रूम में लगी है वह 1 सेकंड में कितनी बार फ्लिप करती है, वह 1 घंटे में कितनी यूनिट निकालती है? अगर पता किया होगा तो एग्जाम में कभी भी पावर कंजप्शन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा मेरे दोस्त। यही फर्क है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में जो जिंदगी के किसी मकसद के लिए पढ़ता है, क्योंकि उसे पता होता है कि रटा हुआ ज्ञान तो अगली कक्षा में जाते ही गायब हो जाएगा, लेकिन सीखा हुआ ज्ञान, सीखा हुआ कंसेप्ट जिंदगी भर बहुत बार काम आता है। और याद रखना, हर एक रात जिसकी नींद तुमने पढ़ाई के लिए कुर्बान कर दी है वह अपना कर्ज जरूर चुकाएगी। थोड़ा धैर्य रखो और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। आज की वीडियो में मेरे दोस्त इतना ही। अच्छा चलता हूँ, आज्ञा दो अपने भाई विवेक भारद्वाज को। मिलता हूँ नेक्स्ट पावरफुल मोटिवेशनल स्पीच के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।